तो कैसे हैं आप सब, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। मेरा नाम विनीत गर्ग। तो भाई कई दिन हो गए थे अपनी बाइक की सर्विस करानी थी, तो आज हम आए हैं बजाज में, यहाँ सर्विस करा देते हैं। भाई इससे पहले हमने बाहर कराई थी, वो कहते हैं 2000 के बाद सर्विस करानी पड़ती है, कह रहे भाई 5000 के बाद सर्विस करानी पड़ेगी आपको। तो भाई यहाँ देखते हैं एक बार अपनी सर्विस करा के, एक बार यहाँ की क्या कॉस्ट। बाहर तो अपने वजह से 550-600 रुपये पड़ जाती है प्लेटिना की, आज यहाँ चेक करते हैं। ये बजाज देखो, बजाज शोरूम पर आप आए हैं। तो भाई आपसे ही हमने बाइक को दे दी, इतनी फास्ट सर्विस है यहाँ पर। बाइक की एक बार धुलाई हो रही है, धो जाती है एक बार, फिर चमक जाएगी, उसके बाद इसकी सर्विस स्टार्ट होती है। अंदर आपको सर्विस का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, पर आपको मार्केट का यार थोड़ा सा नॉइज वगैरह होगा, बाहर का तो आप थोड़ा सा यार कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब बाइक अपनी धुलगी है, यहाँ से सर्विस कॉस्ट वगैरह इसकी देखेंगे कितनी आती, आपको बताएंगे। वैसे जहाँ तक लग रहा है तुरंत आपकी सर्विस स्टार्ट हो गई है, धुल रही है गाड़ी, उस हिसाब से तो भाई बढ़िया एक्सपीरियंस लग रहा है अब तक तो। देखो अपने चैन वैन का कवर रहता है ना, उसको भी आराम से निकाल के धोया, चैन भी अच्छे से धोई, उसकी वगैरह ग्रीसिंग वगैरह भी करेंगे। देखो भाई बाइक धुल के कैसे लग रही है, अब इसका थोड़ा सा पानी वानी निकल रहा है, एकदम बाइक क्लीन होगी, एकदम शाइन मार रही है। बाकी इसकी अभी सर्विस होगी तो और मक्खन भी चलेगी एकदम। तो भाई सर्विस स्टार्ट हो गई है, देखो सबसे पहले अपना जो तेल है उसको निकाल रहे हैं, उसको देखते हैं। और ये हाइड्रोलिक पे उठा दी है, वहाँ से तेल देखते हैं। 2500 के बाद सर्विस करा रहा हूँ, 2000 पे कराते हैं, ज़्यादा ही काला तेल पाएगा उधर से। भाई ये ऑटोमेटिक, इनको मैंने कहा भाई को कि भाई थोड़ी बैटरी डाउन है, तो ऑटोमेटिक की बैटरी के लिए भी अब बैटरी निकाल रहे हैं, ताकि उसको थोड़ा सा चार्ज वगैरह लगा देंगे। ये देख सकते हो यहाँ पर ये बैटरी को चार्ज लगा देंगे। बाकी अब देखते हैं कैसे कैसे सर्विस होती है। वैसे इनका एक वेटिंग रूम भी है, मैं वहाँ भी बैठ सकता हूँ, पर मेरे को तो वीडियो बनानी है ना, वीडियो बनाने की चुल है, तो इस हिसाब से मैं यहाँ आ गया हूँ। देखते हैं अपनी बाइक की सर्विस कैसे होती है। भाई देखो काला काला तेल निकल रहा है बाइक का, कितना ज़्यादा मिट्टी भरा, पूरा फर्क आपको शायद इतना वीडियो में भी दिख नहीं रहा होगा, पर ये है सर्विस आ चुकी थी यार, काफ़ी थोड़ा सा ये है ना अपने पोल्यूशन वगैरह भी कम हो, हिसाब से सर्विस। आज देखते हैं बजाज का कैसा एक्सपीरियंस रहता है सर्विस का। भाई एक ही बाइक पे दो दो बंदे लगे हुए हैं, ताकि आपको ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़े और जल्दी जल्दी काम हो जाए। उधर से वो तेल निकलने लग रहा है, इधर से बैटरी को चार्ज लगा रहा है एक जना, इधर से खोल रहा है ताकि इसके बोलते हैं ना पर चैन वगैरह उसकी ग्रीसिंग भी करे। तक तो जोरों शोरों से काम चल रहा है, देख लो तेल अपना कितना ज़्यादा निकल रहा है। इसमें जो है ना बजाज वालों का एक स्पेशल आता है, वही डलवाएंगे इस बार, देखते हैं उसी से 5000 किलोमीटर तक की अपनी सर्विस कह रहे हैं, तो भाई कॉन्फिडेंस तो अच्छा लगेगा ही। अब आप ये मत सोच रहे हैं मैं मिरर ये चेंज नहीं करवाऊंगा भाई, इसको बल्कि हटवाऊंगा, इसका यूज़ आता नहीं है, हर दूसरे दिन बंदर तोड़ देता है। तो भाई सर्विस देखते हैं, दोनों तरफ से भाई लगे हुए हैं। तो भाई एक खास बात और मैंने नोट करी, बाहर जैसे आप सर्विस कराते हैं ना, वो अपनी टंकी का तेल यूज करते हैं, अपना तेल लगता है उसमें, उसके कॉस्ट भी आप सोचो यार। और इधर देखो भाई, भाई ने खुद अपना तेल लगा रहे हैं और इधर से अपने जो फिल्टर वगैरह रहते हैं उसको साफ कर रहे हैं। देखो यहाँ भी आपके पैसे बच रहे हैं, हर जगह फायदा ही फायदा दिख रहा है अब तक तो। देख लो इतने बढ़िया तरीके से यहाँ पर तेल का सारा ऑप्शन अलग कर रखा है, उसको सफाई कर दिया फिल्टर की, अपना तेल नहीं लग रहा भाई अपने फ्यूल टैंक में से, कितनी बढ़िया बात है ना, एक नंबर की बात है भाई। इसी से सारा आप धोएंगे, तेल से धोते हैं ना तो जंग वगैरह का काम भी नहीं रहता। भाई आपने अंदर इसके अंदर एक कैसा तेल डाला, इसका क्या यूज है? ये इसके अंदर डालना पड़ता है, जो भी भारी गंध होती है ना, हाँ ये यहीं रख के जाए, अंदर कार्बोरेटर में ना जाए, इंजन के अंदर नहीं जाए। हाँ। सही है भाई। और नोटिस करी यहाँ पर स्पार्क प्लग क्लीनर है, बाहर ही आपको क्लीन नहीं करते, वैक्यूम से प्लग जो है ना अपना स्पार्क वाला वो क्लीन हो रहा है। देखो यहाँ पर कौन सा प्लग है भाई, यही है, ये देखो ये प्लग क्लीन हो रहा है, सफाई से काम हो रहा है एक नंबर से। भाई देखो ये प्लग क्लीन हो गया, ये यहाँ से जो भी है ना अपना डर्ट वगैरह एकदम सब कुछ साफ हो गया, एकदम क्लीन हो गया ना भाई ये। देखो सारा काम जो सफाई से हो रहा है ना, वैक्यूम का ताकि कोई भी डर्ट वगैरह नहीं रह पाए, कोई भी धूल मिट्टी नहीं, बढ़िया से सफाई हो जाए। भाई यदि आपको वीडियो में इंटरेस्ट नहीं हो कैसे बाइक की सर्विस होती है, तो आप यहाँ पर भी आ सकते हो, कस्टमर लॉन्च अंदर देखो, यहाँ पर आप अपनी बाइक की सर्विस होते हो, यहाँ भी देख सकते हो यहाँ से। ये देखो अपनी बाइक की वो सर्विस हो रही है, आप यहाँ से देख रहे हैं वो बाइक कैसे क्या काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप अपना आराम से बैठ के जो आधा पौना घंटा सर्विस का लगता है, आराम से रेस्ट वगैरह करो, तब तक आपकी बाइक की आपकी सर्विस हो जाएगी। भाई देखो चैन की ग्रीसिंग वगैरह हो रही है, ऑयल वगैरह डल रहा है और सब कुछ चेक हो रहा है बकायदा, व्हील को स्पिन वगैरह करके। बाहर की तरह नहीं है यार, बाहर तो मैंने कभी देखा नहीं है कि इसको भी ओपन करते हो, ये वाला जिससे ना ये कभी ओपन मैंने देखा नहीं है, ऐसे करते हैं
ये देखो भाई सफाई भी कर देंगे यहाँ की सारी सफाई, कोई भी डर्ट वगैरह रहने ही नहीं देंगे यहाँ पर। पहिए के जैसे बाइक के पहिए के साइड में ना ये जो रस्सी वगैरह फंस जाती है उससे अपनी एवरेज कम हो जाती है बाइक, क्योंकि थोड़ा इंजन को जोर लगाना पड़ता है। यहाँ पर बाइक को मैंने कहा भी नहीं, खुद से ही अपने देखा भाई थोड़े से रस्सी वगैरह फंसी हुई है, खुद से निकालने लग गया भाई, बहुत बढ़िया बढ़िया काम चल रहा है। ऐसी चीज़ मैं देखता भी नहीं था। भी आपका स्पेयर पार्ट नहीं हो ना, जैसे आपके बाइक का स्पेयर पार्ट नहीं हो, ये देखो इनका जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स है बजाज के, जो ओरिजिनल पार्ट्स आते हैं इनका स्टोर आप देख लो, यहाँ से आपकी बिलिंग वगैरह होती है और ये सारे स्पेयर पार्ट्स मिल जाते हैं आपके जेन्युइन बजाज के अपनी बाइक के लिए। एकदम क्लीन कर दिया यहाँ पर, देखो यहाँ दुनिया भर की रस्सी फंसी हुई थी, मैं आपको रस्सी भी दिखाता हूँ, देखो इतना डंगा निकला अपना यहाँ पर, बताओ कैसे बाइक की एवरेज आएगी। सारा निकाल दिया भाई ने पूरी मेहनत के साथ। अब भाई देखो चैन को कवर करने वाली जो अपने होती है ना प्लेट सी, उसको मेंटेन कर रहे हैं, उसको लगा रहे हैं ताकि अपनी चैन कवर रहे, कोई पत्थर वगैरह उछलता हुआ ना लगे। तो भाई देखो प्लेट तो लग गई है, और वैसे है ना ये जो होता है ये कार्बोरेटर है, इसको क्लीन कर, ये भाई बोल रहे थे इसको क्लीन करने की जरूरत तो नहीं लग रही मुझे, तो उन्होंने खुद सजेशन दिया, तो भाई वैसे भी मुझे कोई जरूरत नहीं लग रही थी कार्बोरेटर क्लीन करने की। वैसे आप यदि करवाना चाहो ना अपने बाइक का कार्बोरेटर तो भाई आप क्लीन करवा सकते हो भाई, ये कर देंगे। तो भाई अपना मोबाइल आ गया है, ये देखो कौन सी ब्रांड का भाई, बजाज का ओरिजिनल जेन्युइन है, तो ये हम डलवा रहे हैं बजाज में, और इस पर देखो लिखा भी है बकायदा ड्रेन इंटरवल ऑफ 10,000 किलोमीटर्स, इसलिए लिखा 10,000 के बाद के लिए आप डलवा सकते हो। वैसे है ना आप 5,000 के बाद आप फ्यूल अप करवा लेते हैं, टॉप अप करा सकते हो आप इसके अंदर। सील भी अभी देखो अभी तोड़ी है भाई ने, जैसे ये कर रहे हैं अब यहाँ से टॉप अप हो जाएगा देखना, क्वालिटी देखो यार। बैटरी जो चार्ज लगाई थी वो चार्ज लगा दी थी और कंप्लीट हो गया, वापस इसको सेट कर दिया यहाँ पर, ये देखो इसको सेट कर देंगे और कंप्लीट। अब सर्विस भी हो चुकी है बाइक की और इसके भाई पॉलिशिंग का काम चल रहा है, अब जैसे धोई थी अब इसकी पॉलिश वॉलिश होती है, उसके बाद शाइनिंग देखना आप। ये बाइक में पॉलिशिंग का काम चल रहा है, भाई पॉलिश कर रहे हैं बाइक को, देखना चमका देंगे कह रहे हैं एकदम फर्स्ट क्लास, बाकी देखते हैं। तो गाइस फाइनली कंक्लूजन आ गया, बाइक की कंप्लीट सर्विस हो गई है, अब इसकी कॉस्टिंग की बात हम आपको भाई बताएंगे कितनी कॉस्ट पड़ी है, और जो बाहर की कॉस्ट मैं आपको बताता हूँ 650 रुपये पड़ी जाती है, धुलाई भी हो जाती है उसमें, सारे काम हो जाते हैं। तो भाई ये अपने बजाज शोरूम के ओनर, इनसे आप बात करें। देखो हम अच्छा ठीक है, लेकिन कंपनी क्या कहती है 5,000 किलोमीटर पे आप इसको रिप्लेस करा दो। हाँ और 5,000 किलोमीटर पे क्या होता है, हम सर्विस कराते हैं 2,000 से 2,500 किलोमीटर पे लोग चेंज करके देते हैं। बिल्कुल। और इसमें क्या होता है कि 4,500 से 5,000 किलोमीटर पे हम बाइक का इंजन चेंज करते हैं। इसमें क्या होता है तो सबसे अच्छी चीज क्या है कि कॉस्ट इसकी ज्यादा नहीं, 455 रुपए का है। अच्छा ये बजाज का जेन्युइन है, ये बजाज का जेन्युइन मोबिलर है। और जो है इसके अंदर लेबर जो है हमारी 150 लेबर है। 150 जी। अच्छा और अगर आप इसमें ड्रम क्लीन कराते हैं, हाँ कार्बोरेटर होता है तो 250 इसकी लेबर है। अच्छा अगर कंप्लीट आप सर्विसिंग कराते हैं तो 250 लेबर है। और बाहर अगर आप ये देख रहे हैं तो इसकी 450 455 का ये है। हाँ और 250 इसकी लेबर है तो इसकी कॉस्ट जाके पड़ती है नहीं 700 रुपए। हाँ बाहर आप कराते हैं करीब चली जाती है 600 साढ़े 600। हाँ लेकिन उसमें 2,000 किलोमीटर 2,500 किलोमीटर पे आप सर्विस कराते हैं, हमारे पास क्या है कि हम 3,000 साढ़े 4,000 किलोमीटर से 5,000 किलोमीटर पे सर्विस करते हैं। तो आपका कॉस्ट हाफ हो जाता है हमारे यहाँ पे। अच्छा क्योंकि आप 4 सर्विस कराओगे बाहर 10,000 किलोमीटर पे, हम यहाँ पे सिर्फ 2 सर्विस करेंगे 10,000 किलोमीटर पे, 5,000 की वाली होगी, 5,000 की। तो आपकी कॉस्ट हाफ हो जाएगी हमारे यहाँ पे। हाँ फिर ऊपर से जो बजाज के अंदर आपका रिकॉर्ड इसमें सारा मेंटेन रहता है कि बजाज के पास आपकी मोटरसाइकिल आई है, आपने बजाज से रिपेयर कराई है, हमारे पास सारे जेन्युइन पार्ट्स हैं। बाहर आप कराता कोई भी अगर वायर भी चेंज कराता है तो जेन्युइन पार्ट्स उनके पास नहीं अवेलेबल होते हैं, कंपनी हमसे ही सिर्फ उनमें अथॉरिटी हमारे पास है कि हम सब ये चीज़ें जेन्युइन पार्ट्स बेच सकते हैं मार्केट के अंदर। अच्छा और हमारे जो टेक्नीशियंस हैं वो सारे जो है ट्रेंड होते हैं बजाज की तरफ से, उनको ट्रेनिंग मिली होती है कौन सी पर्टिकुलर बाइक किस तरीके से रिपेयर करें, उनको अच्छे से पता होता है सारी चीज़। काफ़ी सही रख, आपकी कॉस्ट बच रही है भाई, आप ये मत सोचो कि भाई बाहर से करा रहे हो वहाँ कॉस्ट ज़्यादा लगती है कम लगती है, तो ये भी तो देखो ना 5,000 की सर्विस चलेगी, और भाई यहाँ पर जो सर्विस यहाँ का भी इन्होंने हिस्सा करा था तो वो काफ़ी ज़्यादा सही है, मैं तो संतुष्ट हूँ। बाकी यदि आपने वीडियो यहाँ तक देखी हो तो लाइक किए बिना मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना।